शिव हर शंकर गौरी सम वंदे गंगाधर मेशम रुद्रम पशुपतिमीशानम कले काशीपुरनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु ग्रंथ का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आषाढ़ पूर्णिमा की आप सभी भक्तगणों को अनेकों शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित शिव पार्वती जी की कृपा आप सभी भक्तगणों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सदा सुखी संपन्न एवं स्वस्थ रहें। प्रिय भक्तगणों, आज आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत है, जिसे गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। इस दिन भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों का संपादन किया था। प्रिय भक्तगणों, हिंदू सनातन धर्म में गुरु को सदा ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद उपनिषद और पुराणों की रचना करने वाले भगवान वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। वे स्वयं श्री नारायण विष्णु जी के अवतार हैं। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आज ही के दिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था, तथा उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अतः आज के दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत करने एवं व्रत कथा को सुनने से अपार सुख शांति एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के कृपा से ही मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है और सत्कर्म कर अपने जीवन को सार्थक एवं सुखी बनाता है। यह पूर्णिमासी तिथि माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति पूर्णिमासी के दिन पूजा पाठ और स्नान दान करता है, उन्हें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन दान करने से धन धान में बरकत होती है, और इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं तो ज्ञान धर्म मान प्रतिष्ठा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली आषाढ़ पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। प्रिय भक्तगणों, ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा को सुनने के बाद भगवान वेद व्यास जी की कथा को सुनने से ही यह व्रत कथा पूर्ण होती है और भक्तों को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सर्वप्रथम श्रवण करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की व्रत कथा, तत्पश्चात विष्णु जी के 19वें अवतार वेद व्यास जी की कथा का श्रवण करेंगे। तो इसीलिए इस व्रत कथा को पूरे अंत तक सुनिएगा, इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और बड़े ही प्रसन्न चित मन से कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बेल बटन को भी जरूर दबाइएगा। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार काशीपुरी नामक स्थान पर धर्मदेव नामक एक राजा राज करते थे। उनकी दो रानियां थी। राजा सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते और भगवान विष्णु तथा शिव जी के निमित्त व्रत उपवास भी किया करते। दोनों रानियों को भगवान से प्रार्थना करते रहने पर भी वे दोनों माँ नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा है, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में आए, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती है और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा ही घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया।
और कहा, बहुत ही जल्द इस महल में बच्चे की आवाज़ सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी, किंतु उसे अपने घर के अन्य महिलाओं का भी आशीर्वाद प्राप्त करना था ताकि उसका पुत्र यशस्वी और महान बन सके। चूंकि बड़ी रानी को उसकी ननद तथा सास पसंद नहीं किया करती थी, इसी प्रकार चिंता करते हुए बड़ी रानी को 2 दिन बीत गए। एक दिन की बात है, माता पार्वती एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके राजा के महल में काम करने के लिए आती है, और उसी वक्त बड़ी रानी ने बूढ़ी स्त्री से पुत्रवती होने का उपाय पूछा, अपने पुत्र को यशस्वी तथा महान राजा बनने का उपाय पूछा। तो उस वृद्धा ने बताया कि संतान तो यशस्वी तभी होती है जब घर के अन्य सदस्यों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो, इसलिए तुम्हें अपने पति के जननी अर्थात अपनी सास और अपनी ननद के आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। परंतु बड़ी रानी क्या करे, सास ननद तो उसे रुष्ट रहती थी। जब बड़ी रानी ने उस वृद्धा को अपनी समस्या बताई तो उसने एक उपाय बता दिया। अब माता पार्वती स्वरूपा उस बूढ़ी माँ की बात मानकर दूसरे ही दिन बड़ी रानी ने ग्वालिन का भेष बनाया और सिर पर दूध की मटकी रख कर सास ननद के महल में जा पहुँची। उसने घूंघट निकाल रखा था। महल में जैसे ही उसका सामना सास ननद से हुआ, वैसे ही उसने सिर से दूध की मटकी उतारी और उनके पांव छू लिए। इस पर सास ननद ने उसे यशस्वी पुत्र की माता होने का आशीर्वाद दे दिया। अब बड़ी रानी जैसे ही महल से गई थी, वैसे ही चुपचाप वापस आ गई। प्रिय भक्तगणों, अब कुछ ही दिनों के बाद बड़ी रानी गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचती है तो राजा बड़े ही खुश हो जाते हैं। प्रजा तक उसकी खुशखबरी पहुंचाई गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में प्रजा खुशियां मनाने लगी। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया। उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर सम्मान हो रहा है, न जाने बच्चे पैदा होने के बाद कितना ज़्यादा आदर होगा। छोटी रानी यह सोच सोच कर छटपटा रही थी। उसने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर षड्यंत्र करते हैं तथा रानी के प्रसव काल का इंतजार करने लगे। अब इसी प्रकार जब प्रसव समय नज़दीक होता है तो एक दिन बड़ी रानी ने राजा से कहा कि वे चाहती हैं कि उन्हें जब प्रसव पीड़ा हो तब वे उनके पास उपस्थित रहें। यह सुनकर राजा ने कहा कि जब तुम्हें प्रसव पीड़ा में कोई कष्ट हो तुम किसी भी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारे महल में घंटियाँ बधवा देता हूँ। जब तुम्हें प्रसव पीड़ा या कोई कष्ट हो तो तुम डोरी खींच देना, जैसे ही घंटी बजेगी मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। तुरंत ही बड़ी रानी के महल में घंटियाँ लगवा दी गई। एक दिन बड़ी रानी ने सोचा कि राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि मेरे बुलाने पर वे आते हैं या नहीं। उसने डोरी खींच कर घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही राजा छोटी रानी के समक्ष हाजिर हो गए। किंतु जब उन्हें पता चला कि रानी ने आजमाइश के लिए घंटी बजाकर व्यर्थ ही उन्हें परेशान किया है तो वह नाराज होकर राज दरबार में चले गए। अब इस तरह कुछ समय व्यतीत होता है तो बड़ी रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और बच्चों को जन्म देते समय वे अचेत हो गए। अब इसी बात का फायदा उठाकर दाई ने तुरंत दोनों बच्चों को एक झांपी में रख कर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 ईंट और पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा तो उसे बहुत ही हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही हैं, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगी, क्या बात है। दाई ने कहा, महाराज बड़ी रानी ने बच्चे नहीं बल्कि पत्थर जने हैं। अब यह सुनकर राजा को बड़ा ही गुस्सा आया। वह रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर झांपी दे दी और कहने लगी कि इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और इसे मार डालो।
दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि वह बच्चों को नहीं मारेंगे, वे इन्हें यहीं छोड़कर वापस घर के लिए चले जाएंगे। भगवान भोलेनाथ इनकी रक्षा करेंगे। यह सोचकर वह झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने पूछा, काम हो गया? तो उन्होंने कहा, हाँ महारानी साहिबा, काम हो गया। इधर बड़ी रानी कैद खाने में ही हर पूर्णमासी का व्रत करने लगी। प्रिय भक्तगणों, जिस दिन बड़ी रानी ने दोनों बच्चों को जन्म दिया था उस दिन अषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन एक कुम्हार और कुम्हारन जंगल में मिट्टी लेने के लिए गए थे। वह निसंतान थे। जब उन्होंने जंगल में दो बच्चों को पड़ा हुआ देखा तो वह उसे उठाकर अपने घर ले आए। इस बात का उन्होंने किसी से भी जिक्र नहीं किया ताकि कहीं बच्चा छीन न जाए। उस कुम्हारन ने दोनों बच्चों का बड़े ही लाड प्यार से पालन पोषण किया। जब दोनों लड़का और लड़की कुछ बड़े हुए और खिलौने से खेलने लायक हो गए तो कुम्हार ने उनके खेलने के लिए मिट्टी का एक घोड़ा बना दिया। लड़का उस घोड़े को पानी के किनारे ले जाकर उसका मुंह पानी में डुबोकर कहता, मिट्टी के घोड़े पानी पी घुटुर घू। अब उस जगह रानी की दासियां नहाने के लिए आया करती थीं। एक दिन वे दासियां एक लड़के और लड़की को रोज रोज ऐसा करते हुए देखकर उन दासियों ने लड़का और लड़की से कहा, हे कुम्हार के छोरे छोकरी, तुम पागल हो क्या? कहीं मिट्टी का घोड़ा भी पानी पीता है? लड़की और लड़के ने उत्तर दिया, सिर्फ मैं ही पागल नहीं हूँ, यह सारा संसार पागल है। क्या कहीं रानियों के गर्भ से कंकर और पत्थर पैदा होते हैं? दोनों लड़के और लड़की की बात सुनकर वह सारे स्त्रियाँ समझ गई कि यह बड़ी रानी के पुत्र और पुत्री हैं। उन्होंने महल में लौटकर छोटी रानी से यह सब बातें बताई और यह भी बताया कि उनके सौतन की पुत्र और पुत्री एक कुम्हार के घर में पल रहे हैं। अब यह सुनते ही छोटी रानी ने उन्हें मरवाने का षड्यंत्र रचा और मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में लेट गई। राजा के पूछने पर उसने कहा, जब तक हरिया कुम्हार का लड़का और लड़की मौत के घाट नहीं उतार दिए जाएंगे मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। हे रानी, मगर उसका अपराध क्या है? राजा के पूछने पर उसने कहा कि वह मेरे प्रिय दासियों को चिढ़ाते हैं। राजा समझदार थे, उन्होंने कहा कि इस अपराध के कारण उनकी हत्या नहीं की जा सकती। हाँ, रानी के चाहने पर उसे इस राज्य से निकाला जा सकता है। अब रानी मान गई। राजा ने कुम्हार के लड़के और लड़की को राज्य से निकाल दिया। इधर रानी लगातार हर महीने में पड़ने वाली पूर्णमासी का व्रत किया करती थी और भगवान विष्णु शिव जी माता लक्ष्मी पार्वती के निमित्त पूजा पाठ कर अपने संतान उत्पत्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। रानी के इस पूजा पाठ और भक्ति से प्रभावित होकर राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। वही बड़ी रानी सुबह शाम तक पूजा करती रहती और पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती थी। इधर भगवान भोलेनाथ ने अपनी लीला रची और दोनों बच्चों को बांस और चंपा का झाड़ बना दिया। और वही एक दिन रानी को पूजा करने के लिए फूल चाहिए था तो रानी का सिपाही जंगल में गया। जंगल में सिपाही ने देखा कि बड़े सुंदर चंपा का फूल लगे हुए हैं। चंपा और बांस का झाड़ आसपास उगे हुए हैं। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नज़दीक गया चंपा के झाड़ ने कहा, भैया बांस। तो बांस ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आ रहे हैं। बांस ने कहा, लग जा बहन आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताक ही रहे थे। तब सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया, यह सब क्या हो रहा है? सैनिक ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए। सेनापति चल पड़े सैनिकों को संग लेकर। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे, चंपा ने कहा, भैया बांस। बांस ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहन आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे तक पहुंच गया।
सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते मंत्री के पास पहुंचा। अब मंत्री भी वह देखने के लिए चल पड़े। चंपा ऊपर से दूर तक दिखाई दे रही थी। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। तो चंपा ने कहा, भैया। बास ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़ने आए हैं। तो उसने कहा, लग जा बहन आकाश। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुँचे, पेड़ और भी ऊपर तक पहुँच गया। मंत्री जी सीधे पहुँचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों गए हो? मंत्री ने कहा, हे महाराज, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें ही देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही सिपाही पहुँचे जिन्होंने उन बच्चों को वहाँ फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी पूर्णमासी का व्रत की हुई थी और फूल के लिए व्याकुल हो रही थी, यह जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी भी पैदल चलने लगी। वह बहुत ही व्याकुल होकर चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुँचे तो चंपा ने कहा, ये भैया बास। बास ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आ रहे हैं। तो बास ने कहा, लग जा बहन आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊँचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुँचे, पूछने लगे, क्या बात है? तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बास बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहाँ पहुँची। चंपा ने जोर से कहा, ये भैया बास। बास ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, हमारी माँ दुखियारी बड़ी रानी फूल तोड़ने आई हैं। तो बास ने कहा, हे बहन, लग जाओ माँ के पाँव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बास का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बास ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को कैद खाने में बंद करने को कह दिया। अंधेरी कोठरी में बंद होने की बात सुनकर छोटी रानी का रूह कांप गया और बड़ी रानी से माफ़ी मांगने लगी। इस प्रकार बड़ी रानी बड़े दुखी मन से चंपा और बास को देख रही थी कि वे दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। बड़ी रानी ने माता पार्वती और शिव जी का आवाहन किया और कहा कि वे यदि पूर्णमासी का व्रत सच्चे हृदय से रखती आई है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के नित नियम से सच्चे मन से पूजा की है, तो उसके दोनों बच्चे उसको छूते ही पुनः अपने स्वरूप में हो जाए। इतना कहने के बाद बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपट कर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बास को छुआ, चंपा और बास मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले लगा लिया और जाकर रथ में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगा और पूरे राज्य में खुशियां फैल गई तथा छोटी रानी सिपाही तथा दाई को उसके कर्मों का फल मिला कि जो भी स्त्री पुरुष पूर्णमासी का व्रत रखते हैं तो उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता। यदि किसी वक्त उनके पूर्व कर्मों से उन पर दुख आया है तो इस व्रत से उनका दुख कट जाएगा। उन्हें धन पुत्र सौभाग्य की प्राप्ति होगी तथा जो कोई किसी से ईर्ष्या न करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं तथा भगवान पर विश्वास रखते हैं, उनका अवश्य ही कल्याण होता है। उन्हें पुत्रवती तथा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुरुषों को मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा मिलती है। उन्हें योग्य पत्नी संतान की प्राप्ति होती है। तो बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं कि पूर्णमासी व्रत कथा तब तक पुण्य नहीं मानी जाती जब तक भगवान कृष्ण के द्वारा माता यशोदा को सुनाई गई इस मनोकामना पूर्ण करने वाली 32 पूर्णमासी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्णा, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। श्री कृष्ण बोलते हैं, माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है।
मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे। चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित ही हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आदर भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा ही है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस कारण का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। अब क्या था, घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करो, 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस बार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई तो नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से
उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा के अनुसार उसके पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। प्रिय भक्तगण, सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशीला विदुषी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, लेकिन लग्न के समय वर को मिर्गी का दौरा पड़ गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंब से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न कर देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कार्य सुचारू रूप से हो सकें। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। इसके साथ ही वह विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न भी हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों हैं। तब उसने सभी बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिये, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ।
मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब वे फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। प्रिय भक्तों, यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त कराने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा परिग्रहण हुआ है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही वह सब सुनाइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके बाद मध्यायन के समय स्वयं काल वहाँ आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहाँ आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, इसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। और जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई, तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना आरंभ करें। प्रिय भक्तगणों, जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। प्रिय भक्तों, उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ, यह आ गया, और सब नगरवासी ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने देवीदास को जीवित किया, उसे जीवन दान दिया, लंबी उम्र का वरदान दिया,
वैसे ही आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उन्हें लंबी उम्र का वरदान देना, सुहागिनों का सुहाग अटल रखना। प्रिय भक्तगणों, इस गुरु पूर्णिमा व्रत कथा को सार्थक और संपूर्ण बनाने के लिए अब आइए श्रवण करते हैं विष्णु भगवान के अवतार भगवान वेद व्यास जी की कथा। इस कथा को सुनने से ही यह व्रत कथा पूर्ण होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, वेद व्यास कोई नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। भगवान विष्णु के 18वें अवतार जिन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। दरअसल उनका वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन है। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। इनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसीलिए रखा गया क्योंकि इनका रंग सांवला कृष्ण था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। भगवान वेद व्यास के जन्म से लेकर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत ही रोचक है। क्या आपको पता है भगवान कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी एक मछुआरन के पुत्र थे। उनकी माता के शरीर से सदैव मछली की दुर्गंध आती थी। पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म इन्हीं से हुआ था। इन्होंने ही वेदों का विभाजन किया। अष्ट चिरंजीवी लोगों में महर्षि वेद व्यास भी हैं, इसीलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है। इन्हीं के कृपा से धृतराष्ट्र के 99 पुत्र एक पुत्री ने जन्म लिया। महर्षि वेद व्यास ने ही विश्व में सबसे पहले पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र तैयार किया। ऐसी ही बहुत सारी रहस्यमयी अनसुनी अनोखी बातें हमारे इस कथा में आपको जानने को मिलेगी। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम आप सुनेंगे महर्षि वेद व्यास के माता सत्यवती की कथा। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वह एक दिन आखेट के लिए वन में गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। एक निषाद ने गर्भपूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह निषाद उस शिशु को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकला करती थी। उसी कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार सत्यवती नाव खे रही थी तो उसी समय विश्व के पहले पुराण विष्णु पुराण की रचना करने वाले महर्षि पराशर एक बार यमुना नदी के किनारे भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते हुए उनकी नजर एक सुंदर स्त्री सत्यवती पर पड़ी। मछुआरे की पुत्री सत्यवती देखने में तो बेहद आकर्षक थी लेकिन उसकी देह से हमेशा मछली की गंध आती थी। उसकी वजह से सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। महर्षि पराशर सत्यवती के प्रति आकर्षित हुए बिना रही नहीं पाए। उन्होंने सत्यवती से नदी पार कराने की गुजारिश की। सत्यवती ने उन्हें अपनी नाव पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। नाव में बैठने के बाद पराशर ऋषि ने सत्यवती के सामने प्रणय निवेदन किया जिसे सत्यवती ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पराशर ऋषि सत्यवती के साथ संभोग करना चाहते थे जिसकी स्वीकृति देने से पहले सत्यवती ने उनके सामने अपनी 3 शर्तें रखी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई जीव जंतु न देख पाए।
पराशर ऋषि ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए अपनी दैवी शक्ति से एक द्वीप का निर्माण किया। जहां घना कोहरा था, इसी कोहरे के भीतर कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था। सत्यवती की दूसरी शर्त थी कि उनके शरीर से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध हो जाए। पराशर ऋषि ने तथास्तु कहकर शर्त भी स्वीकार कर ली और सत्यवती के शरीर में आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई। उसके विपरीत उसकी देह फूलों की तरह महकने लगी, जो कोसों दूर तक खुशबू फैला रही थी। तीसरी शर्त के रूप में सत्यवती ने कहा कि सहवास के बाद जब वह गर्भ धारण करेगी तो उसका पुत्र कोई सामान्य नहीं बल्कि महाज्ञानी होना चाहिए, ना कि एक मछुआरा। सत्यवती की यह शर्त भी पराशर ऋषि द्वारा मान ली गई। साथ ही पराशर ऋषि ने यह भी वरदान दिया कि सहवास के बाद भी उसका कौमार्य कायम रहेगा, वह तब भी कुंवारी ही रहेगी। सत्यवती और ऋषि पराशर ने कोहरे से भरे द्वीप पर सहवास किया। समय आने पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म के साथ ही महाज्ञानी था। सत्यवती और पराशर की संतान का रंग काला था, जिसकी वजह से उसका नाम कृष्ण रखा गया। यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए और द्वीप पर जन्म लेने के कारण ये कृष्ण द्वापायन हुए। कृष्ण द्वापायन जब बड़े हुए तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जब भी वह किसी विपत्ति की समय उन्हें याद करेंगी, वह उपस्थित हो जाएंगे। इतना कहकर वे तप के लिए द्वापायन द्वीप की ओर प्रस्थान कर गए। मनुस्मृति में नियोग की प्रथा को उल्लेखित किया गया है। इसके अंतर्गत अगर पुरुष संतानोत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है या उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे हालातों में स्त्री नियोग के द्वारा किसी अन्य पुरुष के साथ गर्भ धारण कर सकती है। अब क्या था, वही सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ, क्योंकि राजा शांतनु सत्यवती से प्रेम करने लगे थे और सत्यवती भी उनसे प्रेम करती थी। सत्यवती और शांतनु के दोनों पुत्रों की मृत्यु के पश्चात सत्यवती को यह भय सताने लगा कि ऐसे में तो वंश समाप्त ही हो जाएगा। सत्यवती ने पहले भीष्म से आग्रह किया कि वह विचित्र वीर्य की रानियों के साथ नियोग कर संतान उत्पत्ति का मार्ग खोले, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा ने उन्हें अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं करने दिया। सत्यवती अत्यंत निराश और दुखी हो गई। ऐसे में उन्हें अपने पुत्र वेद व्यास की याद आई। वेद व्यास ने उनसे कहा था कि वह किसी भी विपत्ति में उनका साथ देंगे। अपनी माँ के कहने पर वेद व्यास ने विचित्र वीर्य की पत्नियों के साथ नियोग किया, जिसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। वेद व्यास ने विचित्र वीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका के अलावा एक दासी के साथ भी नियोग की प्रथा का पालन किया, जिसके बाद विदुर का जन्म हुआ। तीनों पुत्रों में से विदुर वेद वेद्यांत में पारंगत और नीतिवान पुत्र थे। प्रिय भक्तगणों, यहाँ पर 100 कौरवों के जन्म के पीछे भी वेद व्यास जी की बहुत ही रोचक कथा है। कथा के अनुसार गांधारी, जो कि गंधार नरेश की पुत्री थी, और एक शिव भक्त। गांधारी ने अपने बाल्यकाल से ही शिव भक्त में अपना मन लगाया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उसे 100 पुत्रों का वरदान दिया। गांधारी का विवाह विचित्र वीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र से हो गया, जो कि जन्म से नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उसकी पत्नी नेत्र वाली हो, ताकि वो उसकी नेत्र से दुनिया को देख सके, राज्य संभाल सके। लेकिन जैसे ही गांधारी को विवाह प्रस्ताव मिला, उसने अपने पति धर्म को सर्वोपरि रखा। विवाह के पूर्व ही अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली, जिससे धृतराष्ट्र बहुत ही क्रोधित हो उठे, क्योंकि इस कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया और पांडु का राज तिलक किया गया। अपने क्रोध के कारण धृतराष्ट्र ने गांधारी को अपने समीप नहीं आने देने का फैसला किया। यह जानने के बाद शकुनि, जो कि गांधारी का भाई था, उसने धृतराष्ट्र को शिवजी के वरदान के बारे में बताया और कहा, आपका पुत्र ही आपके सपनों को पूरा करेगा और आपका पुत्र अपने बाकी के 99 भाइयों के होते हुए कभी परास्त नहीं हो सकेगा।
यह सुनकर महत्वाकांक्षी धृतराष्ट्र को अपनी इच्छा पूरी करने का एक रास्ता नजर आया। अब धृतराष्ट्र ने गांधारी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिसके बाद गांधारी को गर्भधारण किए 10 महीने से अधिक हो गया, लेकिन उसे प्रसव नहीं हुआ। 15 महीने बाद गांधारी को प्रसव में एक मांस का बड़ा टुकड़ा हुआ, जिसके कारण सत्यवती एवं धृतराष्ट्र ने उन्हें बहुत कोसा। राजा धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी को अधिक कष्ट देने के उद्देश्य से गांधारी की प्रिय दासी के साथ संबंध बनाए। उसी वक्त महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुंचे और उन्होंने बताया कि किसी स्त्री के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म होना नामुमकिन है, लेकिन शिव का वरदान व्यर्थ नहीं होगा, अतः यह मांस का टुकड़ा नहीं बल्कि इसमें गांधारी के 101 संतानों के बीज हैं। अब देखिए, गांधारी ने वरदान में भगवान से एक पुत्री की भी कामना की थी, इस प्रकार उन्हें 101 संतान का सौभाग्य प्राप्त है। इसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने 101 मटके में गर्भ की तरह वातावरण निर्मित किया। इसके बाद सबसे पहले जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम दुर्योधन रखा गया। इसके बाद दासी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई, अतः कौरवों की संख्या 100 नहीं, जिनमें बहन दुशाला सहित 100 संतानें गांधारी की एवं 1 संतान उसकी दासी की थी। यह था कौरवों के जन्म के पीछे महर्षि वेदव्यास का योगदान। द्वीप पर जाकर तपस्या करने और काले रंग की वजह से उन्हें कृष्ण द्वैपायन नाम दिया गया, जो आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वेदों का विस्तार करने के कारण ये वेद व्यास तथा बद्री वन में निवास करने के कारण बादरायण के नाम से भी जाने जाते हैं। वेद व्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों का महासूत्र भी प्रणयन किया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने ही व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया था। महर्षि वेद व्यास ने ही विश्व में सबसे पहले पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र तैयार किया था। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की पत्नी आरुणी थी। वेद व्यास के 4 महान शिष्य थे, जिनको उन्होंने 4 वेद पढ़ाए। इसमें मुनि पैल और ऋग्वेद, पैशपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को साम वेद और सुमंतु को अर्थ वेद पढ़ाया। महर्षि वेद व्यास जी के कहे अनुसार ही भगवान गणेश ने महाभारत लिखी। ऐसी ही उन्होंने कई बार पांडवों की रक्षा भी की थी। बात उस समय की है जब महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर वेद व्यास जी अपने शिष्यों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। वहां उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि आज से 13 वर्ष बाद क्षत्रियों का महासंहार होगा, उसमें दुर्योधन के विनाश में तुम्हें निमित्त बनोगे। पांडवों के वनवास काल में भी जब दुर्योधन दुशासन तथा शकुनी की सलाह से उन्हें मार डालने की योजना बना रहा था, तब महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें जान लिया। उन्होंने तत्काल पहुंचकर कौरवों को इस दुष्टकृत से निवृत्त किया। उन्होंने दृष्टराज को समझाते हुए कहा, तुमने जुए में पांडवों का सर्वस्व छीनकर उन्हें वन भेजकर अच्छा नहीं किया। दुरात्मा दुर्योधन पांडवों को मार डालना चाहता है, तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोको, अन्यथा उसे पांडवों के हाथ से मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे युद्ध दर्शन के साथ उनमें भगवान के विभिन्न रूप एवं दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन भी योग्यता आ गई थी। उन्होंने कुरुक्षेत्र की यह भूमि में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृतः श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण किया, जिसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं सुन पाया था। एक बार जब धृतराष्ट्र वन में रहते थे, तब महाराजा युधिष्ठिर अपने परिवार सहित उनसे मिलने गए। वेद व्यास जी भी वहां आए। धृतराष्ट्र ने उनसे जानना चाहा कि महाभारत के युद्ध में मारे गए वीरों की क्या गति हुई। उन्होंने वेद व्यास जी से एक बार अपने मरे हुए संबंधियों का दर्शन करने की प्रार्थना की। धृतराष्ट्र की प्रार्थना करने पर वेद व्यास जी ने अपनी अलौकिक शक्ति के प्रभाव से गंगा जी में खड़े होकर युद्ध में मरे हुए वीरों का आवाहन किया
और युधिष्ठिर, कुंती तथा धृतराष्ट्र के सभी संबंधियों का दर्शन कराया। वह संपायन के मुख से इस अद्भुत वृत्तांत को सुनकर राजा जनमेजय के मन में भी अपने पिता महाराजा परीक्षित का दर्शन करने की लालसा पैदा हुई। वेद व्यास जी वहां उपस्थित थे। उन्होंने महाराजा परीक्षित को वहां बुला लिया। जनमेजय ने स्नान के समय अपने पिता को भी स्नान कराया। तदवंतर महाराजा परीक्षित वहां से चले गए। अलौकिक शक्तियों से संपन्न तथा महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के चरणों में सतसत नमन है। वेद व्यास जी सनातन धर्म के महान आचार्य थे। कुछ लोग मानते हैं कि व्यास जी के चार पुत्र सुखदेव, विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु थे। महाकाव्य महाभारत के साथ साथ कई बड़े ग्रंथों की रचना इनके द्वारा ही की गई थी। कौरव पांडव युद्ध में पांडवों के मार्गदर्शन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वेद व्यास जी का जीवन परिचय पढ़कर हम महाभारत के कुछ अनछुए तथ्यों से भी परिचित हो सकते हैं। कहते हैं कि जिस प्राचीन गुफा में इन्होंने महाभारत की रचना की थी वह आज भी नेपाल में मौजूद है। वेद व्यास जी एक महान कवि, लेखक और तत्वदर्शी ज्ञानी थे। इनके द्वारा रचित अतिरिक्त 18 पुराणों एवं उप पुराणों के नाम इस प्रकार है। पहला भविष्य पुराण, दूसरा ब्रह्म पुराण, तीसरा मत्स्य पुराण, चौथा बावन पुराण, पांचवा स्कंद पुराण, छठवां वैवर्त पुराण, सातवां नारद पुराण, आठवां शिव पुराण, नौवां पद्म पुराण, दसवां ब्रह्म पुराण, ग्यारहवां विष्णु पुराण, बारहवां श्रीमद भागवत पुराण, तेरहवां अग्नि पुराण, चौदहवां बराह पुराण, पंद्रहवां मार्कंडेय पुराण, सोलहवां कुर्मु पुराण, सत्रहवां गरुड़ पुराण और 18वां लिंग पुराण। प्रिय भक्तों, महर्षि वेद व्यास ने वेदों का विभाजन किया, इसलिए इनको व्यास या वेद व्यास कहा जाता है। इनके पिता महर्षि पराशर तथा माता सत्यवती हैं। भारत भर में पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की पूजा के साथ महर्षि व्यास की पूजा भी की जाती है। द्वापर युग के अंतिम भाग में व्यास जी प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से समझ लिया कि कलयुग में मनुष्य की शारीरिक शक्ति और बुद्धि शक्ति बहुत घट जाएगी, इसीलिए कलयुग के मनुष्यों को सभी वेदों का अध्ययन कराना और उसको समझ लेना संभव नहीं होगा। व्यास जी ने यह जानकर वेदों के चार विभाजन कर दिए। जो लोग वेदों को पढ़ समझ नहीं सकते उनके लिए महाभारत की रचना की। महाभारत में वेदों का भी ज्ञान आ गया है। धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, उपासन और ज्ञान विज्ञान की सभी बातें महाभारत में बड़े सरल ढंग से समझाई गई है। इसके अतिरिक्त पुराणों की अधिकांश कथाओं द्वारा हमारे देश, समाज तथा धर्म का पूरा इतिहास महाभारत में आया है। महाभारत की कथाएं बड़ी रोचक और उपदेशप्रद हैं। इस प्रकार रुचि करने वाले लोग भगवान की उपासना में लगें और इस प्रकार सभी मनुष्यों का कल्याण हो। इन पुराण में भगवानों के सुंदर चित्रण व्यक्त किए गए हैं। इसके साथ ही व्रत उपवास की विधि, तीर्थों का महालय आदि लाभप्रद उपदेशों से पुराण परिपूर्ण है। तो प्रिय भक्तों, यह थी भगवान वेद व्यास अवतार की संपूर्ण कथा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कथाएं पसंद आई होंगी। तो आप वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।